हेलो एंड वेलकम टू रेसलिंग न्यूज़ हिंदी चैनल। तो गाइज इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ शानदार अपडेट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो पहली अपडेट है केविन ओवेंस को लेकर। तो जैसा कि हम सब ने देखा कि एक्सट्रीम रूल्स में हुए स्टील केज मैच के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमन ने स्टील केज के 20 फीट ऊपर से केविन ओवेंस को नीचे अनाउंस टेबल पर फेंक दिया था। इसके बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी और केविन ओवेंस इंजर्ड हो गए। WWE ने अब केविन ओवेंस की इंजरी को लेकर स्टेटमेंट जारी किया है। WWE ने इसके बाद स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि केविन ओवेंस को कई जगह बुरी चोट आई, उनके कंधे, पीठ और गर्दन में गंभीर चोट लगी है। इस हफ्ते के बाद ही वो सही हो पाएंगे और पता चलेगा कि वो रिंग में आ पाएंगे या नहीं। उन्हें फिलहाल मेडिकल सुविधा दी जा रही है। तो केविन ओवेंस अब कुछ दिनों तक टेलीविजन पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा कि उनकी हालत कितनी खराब है। तो दूसरी बड़ी अपडेट है समर स्लैम को लेकर। WWE रॉ के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल ने समर स्लैम के लिए विमेंस चैंपियनशिप मैच का ऐलान कर दिया है। समर स्लैम में रॉ विमेंस चैंपियनशिप मैच में एलेक्सा ब्लिस अपने टाइटल को रोंडा राउजी के खिलाफ डिफेंड करती हुई नजर आएंगी। ये रोंडा राउजी के WWE करियर का दूसरा टाइटल मैच होगा। तो गाइज अब बात करेंगे बॉबी लैशले के उस इंटरव्यू की जिसमें उन्होंने बताया कि वे WWE में क्यों आए। रो के बाद इंटरव्यू देते हुए द डोमिनेटर ने WWE में आने के अपने मिशन पर बात की। लैशले ने बताया कि जब WWE में आए थे तो उन्होंने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को हराने के बारे में पहले से ही सोचा हुआ था। लैशले ने कहा कि जब WWE में आया तो मेरे सिर्फ दो ही मिशन थे, एक रोमन रेंस को हराना और दूसरा ब्रॉक लेसनर को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बनना, और रोमन रेंस के साथ वही करूंगा जो एक्सट्रीम रूल्स में किया। तो अब अगले हफ्ते रोमन रेंस और बॉबी लैशले के बीच समर स्लैम के लिए नंबर वन कंटेंडर मैच होगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।